अरबाज खान की फैमिली ने किया शुक्रिया अदा सलमान खान का। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस शो का जवान है, यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो सलमान खान है वो हमेशा किसी की भी मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते, वो हमेशा आगे आकर के मदद करते ही है। हमने ये उनके फैंस के द्वारा बहुत दफ़ा सुना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो एक्ट्रेस है कश्मीरा शाह, उन्होंने ये पब्लिकली शुक्रिया अदा किया था सलमान खान का, और उन्होंने कहा भी था कि उन्होंने जिस तरीके से फरहाज खान को मदद की है 25 लाख रुपए की, उसके लिए वो खुद उनकी शुक्रिया अदा कर तो रही ही है, पर उनकी फैमिली भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहती है। पर उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर पहले फरहाज खान के जो भाई है फहमान, उन्होंने मुंबई मिरर को ये स्टेटमेंट दिया है कि हम सलमान खान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और हम चाहते हैं कि भगवान उनको खूब दुआएं दे और उनको लंबी उम्र लगे। ऐसी दुआ दी है और ऐसे एक तरह की क्या कहते हैं वेल विश दी है फरहाज खान के फैमिली में सलमान खान को। जी दोस्तों, वाकई सलमान खान हमेशा मदद करने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहते हैं, और सलमान खान का जो ब्रांड है बीइंग ह्यूमन, उसी तरह हमारे सलमान खान भी है बहुत ज़्यादा ह्यूमन। तो आपकी क्या राय है इस बात पर, सलमान खान के इस हेल्पिंग नेचर के बारे में जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। करीना कपूर खान हो गई बेहद इमोशनल। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि करीना कपूर खान ने हाल ही में लाल सिंह चड्ढा का जो शूट है वो रैप कर दिया है। जी दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आखिर हमारी करीना कपूर खान इमोशनल क्यों हो गई। इमोशनल इसलिए वो हो गई कि उन्होंने ये जो शूटिंग है ये पूरी तरीके से प्रेगनेंसी के दौरान शूट की, और अब जो ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है उसी के बीच में उन्होंने ये शूटिंग की है। एक फोटो शेयर की उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर वो दिख रही है अपने को स्टार आमिर खान के साथ बैठी है वो खेतों में। जी दोस्तों, अब वो फोटो के नीचे वो कैप्शन लिखते हुए नजर आई कि एंड फाइनली लाल सिंह छड्डा शूट कम्स टू एन एंड। जी दोस्तों, वो कहती है कि हर एक जर्नी का अंत तो होता ही है और इस जर्नी का भी अंत हो गया, और ये मेरे लिए बहुत ही भावुक चीज है। वो आगे जा करके ये भी लिखती है उस पोस्ट में कि मेरी प्रेगनेंसी, ये पैंडमिक और सभी चीज़ों के साथ मैं इतनी नर्वस थी, पर फाइनली अच्छी तरीके से सक्सेसफुली ये शूट हो गया है और हमने इसको रैप अप कर दिया है। और वो ये भी लिखती है आगे कि जी दोस्तों, ऑफ कोर्स विथ ऑल सेफ्टी मेजर्स। अब मैं आपको ये बता दूँ कि हर शूटिंग जो है वो सेफ्टी मेजर्स के साथ की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राधे भी हाल ही में रैप हो गई थी, और अब उसके बाद रैप हो गई है हमारी सबसे अवेटेड फिल्म लाल सिंह छड्डा। तो क्या अभी सलमान खान और आमिर खान की फिल्म हो जाएगी टक्कर इन द थिएटर्स? क्या कुछ है आपकी राय इस पर, जरूर बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। वी आर वेटिंग टू हियर यू। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। हमारी हॉट एंड सिजलिंग नोरा फतेही ने दिया है करारा जवाब गुलशन ग्रोवर को। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वाचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, नोरा फतेही थी जजेस में से एक हमारा जो डांस रियलिटी शो है उसमें, जब मलाइका अरोरा नहीं थी, वो कोविड से जूझ रही थी। तब मैं आपको बता दूं कि आए थे स्पेशल गेस्ट बनकर शो में गुलशन ग्रोवर और शक्ति कपूर। जी दोस्तों, जब ये दोनों आए थे तो ऑब्वियसली नोरा फतेही इतनी ब्यूटीफुल है ही, तो उनसे थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग और थोड़ी बहुत बातचीत करना कौन नहीं चाहेगा। तो गुलशन ग्रोवर जी ने ले लिया चांस और उन्होंने पूछा हमारी नोरा फतेही से, आती क्या खंडाला। जी दोस्तों, ये डायलॉग मारा
हमारे गुलशन ग्रोवर ने नोरा फतेही को, तो उस पर नोरा फतेही ने फट से, जैसे उनके पास फटाफट रिफ्लेक्स रिएक्शंस होते हैं, वैसे ही एक क्यूट सी और फट से उन्होंने बोला, नहीं भाई। तो नहीं भाई, इन दो शब्दों पर शक्ति कपूर जो उछल पड़े, माय गॉड, और उनकी तो हंसी रुक ही नहीं पा रही थी, वो एकदम से हो गए लोटपोट और वो कहते हैं, अरे भाई बोला तुमको, भाई भाई सुन लो, ऐसे कहते हैं शक्ति कपूर। तो इस पर क्या कुछ है आपकी राय, क्या आपको नोरा फतेही के ऐसे अंदाज देखना पसंद है, बताइए हमें इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का जवान साइनिंग ऑफ। हाँ जैस्मिन मेरी दोस्त है, लेकिन मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता। आखिर ऐसे क्यों कहा सिद्धार्थ शुक्ला ने, चलिए बताते हैं आपको, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि बिग बॉस सीजन 14 के टास्क अब हो गए हैं शुरू, और इसी टास्क के चलते अब दिख रही है अनबन हमारे तीनों तूफानी सीनियर्स के बीच। जी दोस्तों, हमारे जो तूफानी सीनियर्स है, यानी हमारे सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हीना खान, इन तीनों के बीच हो गई है लड़ाई। और ये लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि निकी तंबोली और जैस्मिन भसीन के पास आखिर कितने ही गेंदे हैं ये डिसाइड करने के टाइम पे। मैं आपको बता दूं कि टास्क के दौरान हर एक जो सदस्य है उसको लड़ाई करनी थी उसके ओपोनेंट से, जहां पर अगर जो जीतेगा उसके पास अपनी खुद की चीज़ परमानेंटली रह जाएगी। तो इसमें संचालक थे हमारे तीनों तूफानी सीनियर्स। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हम सभी जानते हैं, हाल ही में एली गोनी ने प्रेस किया था सिद्धार्थ शुक्ला को, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे जैस्मिन भसीन को, जो है उनकी दोस्त भी। अब मैं आपको बता दूं कि तीनों सीनियर्स के बीच हो गई अनबन, क्योंकि हीना खान ने कहा कि देखिए निकी तंबोली जीत गई है, पर इस पर सिद्धार्थ शुक्ला, अब जैसे हम सभी जानते हैं कि एक तरफ अगर सिद्धार्थ शुक्ला की दोस्त जैस्मिन भसीन है, तो दूसरी तरफ वो जिससे फ्लर्ट कर रहे, जिनको वो पसंद करते हैं, यानी है निकी तंबोली, तो वो हो गए हैं थोड़े से कन्फ्यूज कि आखिर वो डिसीजन किसके फेवर में दे दे। तो इस पर हीना खान ने उनको सीधा ये बोल दिया कि माइंड योर ओन बिजनेस सिद्धार्थ, ये वर्ड्स कहे गए हैं हीना खान के तरफ से। और हीना खान ने बोला कि जी मुझे पता है कि कौन विनर है, तो आप ये अपने लिए डिसाइड कीजिए और मुझे ना सिखाइए कि चैलेंज को कैसे खेला जाता है और कैसे जज किया जाता है। अब इस पर सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा कि हाँ जैस्मिन मेरी दोस्त है, पर मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता। अब दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि इन दोनों के बीच तो ठीक है लड़ाई हुई, जैस्मिन भसीन और निकी तंबोली खूब लड़े, पर आखिर हमारे सीनियर्स क्यों लड़ रहे हैं? अब ये तो अब जानेंगे हम जब फाइनल एपिसोड आउट होगा, पर प्रोमो में से तो इतना ही दिख रहा है। तो क्या सच्ची में हमारे तीनों सीनियर्स के बीच हो गई है अनबन? तो आपका क्या कहना है, आपके लिए आखिर विनर कौन है, ये हमें जरूर बताइए इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। निकी तंबोली ने हमारे जान कुमार सानू को कर दिया है भाई जोन। आइए जानते हैं खबर डिटेल में, पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दिस इज शुल्का जवान एंड यू आर वॉचिंग मूवीज अड्डा। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो निकी तंबोली है, जो अब कंफर्म्ड कंटेस्टेंट बन गई है बिग बॉस सीजन 14 में, दिख रही है शरारते करते हुए। जी दोस्तों, वो अपना जो एक अकड़ नहीं कह सकते हैं उसको, पर उनका जो एक अंदाज है, जो निकी का अंदाज जिसे हम कह सकते हैं, वो हमारी मिस तंबोली तो दिखाते हुए नजर आती ही है। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे जो जान कुमार सानू है, वो बेचारे इतने प्यार से हमेशा निकी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनको अगर कुछ चाहिए नहीं चाहिए सब देखते हैं, और हमेशा उनके साथ खड़े अगर कोई रहा है घर में तो पहले से डे वन से वो है जान कुमार सानू। तो जान कुमार सानू को ऑब्वियसली भाई बनने में तो कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होगा, वो भी इतनी प्रिटी सी निकी तंबोली का, तो जिस पर इवन सलमान खान फिदा है, तो अब
ऐसे लड़की से भाईचारा क्यों चाहेगा कोई। अब इस पर मैं आपको ये बता दूं कि जान कुमार सानू जो है वो हाल ही में दिखे थे राहुल वैद्य और निशांत मालकानी को बताते हुए कि वो निकी से प्यार करते हैं और वो निकी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो उन्होंने निकी को जाकर के ये बोला कि निकी आई लव यू। तो उस पर निकी ने उनको बोल दिया भाई जान। जी दोस्तों, तो जान कुमार सानू की फीलिंग्स हो गई है हर्ट और उन्होंने फाइनली निकी को ये कहा कि तुम मुझे मेरी जान कहो, भाई जान मत कहो, ये कह रहे हैं जान कुमार सानू। तो क्या फाइनली बुलवा पाएंगे वो मेरी जान, ये दो शब्द निकी के मुंह से, क्या लगता है आपको हमें ज़रूर बताइए। और क्या आप एंजॉय कर रहे हैं इन दोनों की केमिस्ट्री, बताइए हमें ज़रूर इन द कमेंट्स बिलो। सो शो का जवान साइनिंग ऑफ।